देख सकते हैं हमारे दुकान पे जो है फर्स्ट कस्टमर आ गए हैं हमारे, उसमें 2500-2600 रुपए का बिक्री जो है हो गया है, ये देख सकते हैं इसमें इसको। तो गाइस ये देखिए, ये जो है अपना दुकान है, हम जो है पूरा सब्जी लाए हैं, तो दिख रहे हैं आप लोगों को, पहले ही दिखा चुके हैं। जो आलू है, आलू को हम लोग लाए हैं 15 रुपए किलो में और उसको बेचेंगे 20 रुपए किलो। गाइस गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों ऐसा है कि लगभग दो महीने से कोई भी व्लॉग चैनल पे नहीं आया है, मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था, और दो महीने से मैं एक्चुअल में बताऊँ तो सब्जी मंडी गए ही नहीं हूँ। तो दो महीने बाद जो है सब्जी बेचने फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि आप लोग का प्यार, वीडियो पे रिस्पांस जो है आप लोग का बहुत अच्छा आया, तो मेरे को लगा कि वीडियो जो है बनाना चाहिए। और सब्जी तो बेचने में जा रहा, मतलब बीच बीच में रुक के जा रहा था, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं जा रहा था, लेकिन आज से जो है मैं कंटिन्यूसली सब्जी मार्केट, मतलब सब्जी मंडी जाऊंगा और सब्जियां खरीदेंगे, सब्जियां बेचेंगे, और ब्लॉग को जो है और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद भाई लोग, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो ऐसे लगभग दो महीने बाद मैं जैसे सब्जी मंडी जा रहा हूँ, तो सब्जियों का रेट जो है मेरे को उतना पता नहीं है कि क्या रेट चल रहा है मार्केट में, क्या प्राइस है। तो पहले मार्केट जाके हम लोग पता करेंगे कि मार्केट में कौन कौन सब्जियाँ आई है और क्या क्या रेट अभी चल रहा है। अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 8:30, और आज हम लोग जा रहे हैं अभी तक तो सब्जी मंडी, देख सकते हैं सब्जी भाई के ऑटो में। तो चलिए मंडी जाके पता करते हैं क्या रेट है आज सब्जियों का, और खरीदते हैं। रेट जो है आज आप लोग दिखाने का कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं तखतपुर सब्जी मंडी में। गाइस पहुंच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी। चलिए पहुंचने के बाद अब सब्जियों का रेट पता करते हैं। मैं करेट धर लेता हूँ अपन भैया। गाइस तखतपुर सब्जी मंडी जा रहे हैं, पहले जो है ये करेट को जमा करेंगे। एक जो खाली करेट का मोनू पटेल खपरी लिखा हो ये। देखिए भैया, ए पटेल फिर यहाँ पहुँच गए रे। देख सकते क्या रुपए किलो, 25 रुपए किलो। अबे देवे तो गाइस निकल रहा है यहाँ से घर के लिए, सब्जी मंडी से सब्जी जो आ गया है, क्या क्या प्राइस है उसको घर पहुँच के आप लोगों को बताते हैं। टाइम नहीं मिला, गर्मी इतना ज़्यादा है, हालत ख़राब हो जाता है। घर पहुँच के आप लोगों को बताता हूँ भाई क्या क्या सब्जी लिए है और क्या क्या प्राइस रहा आज का। तो गाइस घर पहुँच चुके हैं, अब अभी यहाँ से करने वाले। रोक ले भैया, अच्छे रोक ले। चलिए भैया ले, टाटा कर ले दर्शन। ठीक है गाइस, अब गाइस का टाटा कर। मार्केट से पहुंच चुके हैं घर, लगभग कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, 2-3 घंटा लगा मेरे को, 8 बजे से गए हुए थे, 11 बज गया। और सब्जियों की बात करें तो सब्जियों का रेट जो है बढ़ गया है मार्केट में, ठीक से सब्जी जो है खरीदते टाइम व्लॉग नहीं बना पाया मैं सोचा था कि घूम घूम के, मतलब जितने भी सब्जियाँ आई होंगी उनके सामने जाके मतलब प्राइस पूछ के व्लॉग बनाऊँ करके, लेकिन यार इतना भीड़ में और आवाज़ के मारे हिम्मत ही नहीं होता बनाने का, सब लोग एकदम से घूरने लगते हैं, इस वजह से जो है व्लॉग शूट नहीं कर पाया वहाँ का। लेकिन क्या प्राइस मिला और क्या क्या सब्जी लेके आया हूँ उसको आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ, मतलब आज का प्राइस क्या क्या रहा। तो भाई ऐसा है कि करेला जो है, मैं करेला लेके आया हूँ, करेला जो है वो था रेट क्या बोलते हैं 35-30-35 रुपए थोक में करेला था, और बरबट्टी था 25-30 रुपए किलो बरबट्टी, भाटा भी सेम 25-30 रुपए भाटा, टमाटर जो है 150-250 रुपए कैरेट टमाटर, और क्या बच जाता है अपना मुनगा भी वही 20-22 रुपए किलो में था मुनगा, और चुरचुटिया मतलब गंवार फल्ली था 30-35 रुपए किलो के बीच में गंवार फल्ली, मिर्ची है 40-50 रुपए किलो मिर्ची, धनिया है 100-150 रुपए सैकड़ा। तो ये प्राइस रहा, और क्या क्या सब्जी लेके आया हूँ उसको जो है आप लोग को मैं शाम को बताऊँगा मार्केट में जाने के बाद, क्योंकि उस टाइम तो बताते हूँ दिखाते हूँ, तो उस टाइम आप लोग को दिखा दूँगा। और कितना का सब्जी जो है आज लाया हूँ उसको शाम को जो है कैलकुलेट करेंगे, और कितना कमाई होता है उसके बताने का कोशिश रहेगा। जैसे कि आज है बुधवार, मतलब नंगोई का बाज़ार चलेंगे,
और जाने का टाइम है अपना 3:30 बजे, लगभग 3:30 बजे यहाँ से चलेंगे। तो ठीक है, अभी फ्रेश व्रेश होते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर आप लोग से मैं सीधा मिलूँगा 3:30 बजे। सो गाइस, अभी समय हो रहा है, कितना बजे घड़ी को देख रहा हूँ मैं, इधर 3:15 हो रहा है, और अभी नंगोई का बाज़ार चलेंगे। प्रदीप भाई के ऑटो के आने का इंतज़ार हो रहा है, ऑटो आएगा फिर उसमें बैठ के चलेंगे हम लोग नंगोई का बाज़ार। और ऐसा एक भाई अभी सोया था, सो के जस्ट अभी उठे हैं, सामान वामान सब पैकिंग हो गया है। और ऑटो से जाने में बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है मेरे को कि गाड़ी में सामान लादना नहीं पड़ता और फिर उसको उतारना भी नहीं पड़ता, मतलब टेंशन ख़त्म। सवेरे एक टाइम सीधा सामान को गाड़ी में भर दो, फिर उसके बाद शाम को सीधा चलो, मतलब बहुत बड़ा सहायता हो जा रहा है मेरा। तो चलो फिर अभी भाई के ऑटो का आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, ऑटो आ जाएगा तो देखते हैं, पता नहीं कब तक आएगा ऑटो। और वही के बाज़ार में जाने के बाद हम लोग पता करेंगे बाज़ार में कौन कौन सी सब्जियां आई है और क्या क्या प्राइस में मतलब बिक रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। तो गाइस, ऑटो जो है आ गया है अपना, और अभी हम लोग यहाँ से मेरे घर से मतलब खपरी से निकल रहे हैं नंगोई बाज़ार के लिए। चलो फिर नंगोई बाज़ार पहुँचने के बाद आप आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। अभी जो है 4:00 और मार्केट जो है देख सकते हैं अभी लग रहा है, लगा नहीं पूरी तरीके से। और क्या क्या सब्जी लाया है उसको आपको एक बार दिखा दे रहे हैं और क्या क्या प्राइस है उसको घूम के पता करते हैं। तो चलिए देखिए सब्जियों को, तो ये देख सकते हैं इधर आज आया है मेरी दुकान पे आलू, करेला, टमाटर और इधर बरबट्टी, भिंडी, ये अपना आइटम है। तो इसका रेट जो है सुन लीजिए भाई साहब, रेट जो है वो ऐसा है, जो आलू है आलू को हम लोग लाए हैं 15 रुपये किलो में और उसको बेचेंगे 20 रुपये किलो, और करेला पड़ा है 35 और बेच रहे हैं उसको 40 रुपये किलो बेच रहे हैं भाई। टमाटर जो है 10 रुपये किलो है, 180 रुपये पर क्रेट। और बरबट्टी जो आया है, बरबट्टी अपने को पड़ा है 2500 रुपये पड़ा है, 40 रुपये किलो बरबट्टी बेच रहे हैं, 2500 रुपये में लेके आया हूँ। और भिंडी के लेके आया है 20 रुपये बेच रहे हैं, 30 रुपये, ये है अपना आइटम। और तो ये देखिए अपने नंगोई का बाज़ार छोटा सा, सभी अपने अपने कामों में जो है व्यस्त है। पूछते हैं क्या क्या रेट है, क्या क्या रेट है मामी, लौकी कितना रुपए किलो है कि नंग है? नंग 10 रुपए, 10 रुपए नंग है गाइस। देखिए लौकी और मुनगा कैसे दे रहे हो, 10 रुपए जूरी, मुनगा है 10 रुपए जूरी, और टमाटर 10। देखिए टमाटर यहाँ भी 10 है। केला क्या है, केला क्या रुपए किलो, 20 रुपये किलो केला। और भिंडी 30 रुपये किलो है भिंडी भाई, हम भी 30 ही बेच रहे हैं। अरे ककड़ी को भूल गया था, ककड़ी कितना रुपए किलो, 20 रुपये किलो ककड़ी है भाई यहाँ, ये देखिए ककड़ी है 20 रुपये किलो। और आगे इधर और पता कर लेते हैं, इधर तो अभी दुकान उतने से लगा नहीं है, मखना को पूछ लेते हैं, मखना का रेट है मामा, 50 रुपये किलो के है नंगेगा है, किलो 50 रुपये। लौकी 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 क्या रेट है, 20 रुपये, ये देखिए 20 रुपये किलो बेच रहे हैं ये लौकी को भाई। और टमाटर 10 रुपये के जी, 10 रुपये किलो टमाटर। और ये प्रदीप भैया देखिए सामान लगा रहे हैं अपने दुकान पर, धनिया मेरे लिए गिरे 50 धनिया मेरे लिए गिरने, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं पूछने आ रहे हैं। ये प्रदीप भैया जो है पहाड़ी लेके आए हैं, हम जो लाली लेके आए, क्या रेट पहाड़ी वाला, क्या रेट में आलू है, 25 रुपये किलो पहाड़ी वाला, सफेद वाला, गंदो 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 भाई इसको। और इधर देखिए भिंडी, करेला, टमाटर, गवार, बरबट्टी, और ये पटेल भैया का दुकान भी इधर लगा हुआ है, तो सबका भी लगभग प्राइस सेम ही सेम है। अब बोला रहा है कारेट बंधा मामी, 20 रुपये नंग है भाजा, 20 रुपये नंग, बहुत महंगा वाला है, बहुत महंगा वाला, देखो गाइस 20 रुपये नंग बंधा, इतना बड़ा बंधा हाथ में मेरे नहीं आ रहा है यार, देखो बड़ी मुश्किल से अलगा पा रहा हूँ इसको, रख देता हूँ आराम से, नहीं तो फूट जाएगा। और बरबट्टी कितना किलो है, 50 रुपये। और ये देखिए सुनील भैया का दुकान, ये बाजार आते ही पैसा गिनना शुरू कर देते हैं गाइस, बहुत माल है इनके पास, ये देखिए इतना बड़ा दुकान जो है,
आलू का रेट पटेल? आलू 20, करेला 40, बरबट्टी 40, मुनगा 10 रुपये, टमाटर 10, बरबट्टी भिंडी गंवार भिंडी 40 रुपये, मूली कितना है भैया? देखिए मूली जो है यहाँ भाई हमारे गांव के बाज़ार में 20 रुपये किलो चल रहा है, आप लोग के यहाँ कितना चल रहा है नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और प्याज भाजी तो 10 रुपये किलो है। चलो फिर चलते हैं अपने जगह पे। देखिए सब लोग अपना अपना दुकान लगा रहे हैं, वो मेरा दुकान जो है खाली पड़ा है। तो गाइस ये देखिए ये जो है अपना दुकान है, हम जो है पूरा सब्जी लाए हो तो दिख रहे हैं आप लोग को, पहले दिखा चुके हैं तो देख सकते हैं। हमारे दुकान पे जो है फर्स्ट कस्टमर आ गए हैं हमारे दादाजी। ये ले भैया टमाटर बढ़िया है क्या? देखिए खुश हैं काले बाबा। नहीं ले बस ले लेना यार, सस्ता लगावा तो ले लेना। देखिए टमाटर, और उधर तो घूमने गए नहीं है अभी, तो चलो फिर आप लोग से अब मिलता हूँ मैं शाम को सब्जी बेचने के बाद। गाइस बाजार में देखो बारिश हो रहा है पूरा, एकदम बाजार खाली हो गया, बंदा पड़ गया यार, मौसम खराब कर दिया। बारिश हो रहा है इधर एकदम तगड़ा टाइप से, देखो पूरा खाली, देखो सामान जो है पूरा बिखरा पड़ा है। सब लोग इस साइड आ गए हैं, देखो इधर खाए में बारिश हो रहा है गाइस। बिजली बिजली के एकदम भाजी ने चीजें बना लाई, भाजी वर्षों के बन लाए भाई, तेरे बेटी को बन लाई के रख मुल्ला आई है सर लोकल में। तो गाइस देखिए मार्केट हो गया खाली, निकलते हैं यहाँ से घर। चली चला बाजार ऐसा ऐसा कर दिया यार, मेरा हालत खराब हो गया भाई। सो गाइस अभी जो है रात के बज रहे हैं 9:30, लगभग 10 बज रहे हैं, और व्लॉग को जो है मैं अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि जब आया तो लाइट भी बंद था, प्लस क्या बोलते हैं बारिश हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा, तो ईड कर नहीं पाया था, और खाना वाना खा के जस्ट अभी तैयार हुआ हूँ। तो ऐसा एक बारिश की वजह से बाजार जो है पूरा ख़राब हो गया, और लगभग सब्जी जो है थोड़ा थोड़ा सभी बच गया है, मतलब 15-20 किलो के आसपास आलू बचा है, वही 10 किलो के आसपास टमाटर है, 5 किलो के आसपास बरबट्टी है, 2 किलो के आसपास करेला, और भिंडी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बचा है, लगभग 15-16 किलो भिंडी जो है बचा है कैरेट में, 1 कैरेट, तो उसको जो है सवेरे लेके चलेंगे बेचने। तो आज के हिसाब किताब ऐसा है कि लगभग अपन मैं जो है लेके गया था सब्जी 2-3, मतलब लगभग 3000 के आसपास का लेके गया था, उसमें 2500-2600 रुपये का बिक्री जो है हो गया है, ये देख सकते हैं इसमें, इसको वैसे गिन के दिखाना चाहिए आप लोग को, लेकिन अभी इन करना इस वजह से इसको नहीं गिन रहा हूँ, कभी और दूसरे ब्लॉग में गिन के दिखा दूंगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं इन करते हैं, और आप लोग को ऐसा कि लास्ट में मेरे को आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद बोलना है कि ये जो व्लॉग है उसको आप लोग के ही खातिर मैं शूट कर रहा हूँ, मतलब वीडियो जो है पहले डाल रहा था फिर उसका डालना बंद कर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था, और पब्लिक में ऐसा भाई कि व्लॉग बनाते बनता नहीं है, पब्लिक में जाओ तो लोग जो है देखते हैं सब बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है करके, मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगने लगता है, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैं जो है आप लोगों के लिए ही ये व्लॉग बनाता हूँ। तो व्लॉग को जब पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कोई अगर आप लोग का कमेंट हो या मेरे लिए सुझाव हो या सवाल हो आप लोग से सब्जी मार्केट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आप लोग को उसका जवाब अवश्य दूंगा, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद जय छत्तीसगढ़।